नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये दो देवता आपको भगवान बनाने वाले हैं, और दोस्तों बदनसीबी होगा जो इस वीडियो को नहीं देखेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये तीन बड़ी घटनाएं आपके जीवन काल में होने वाली हैं दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपके पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। और दोस्तों, जिस चीज़ का आप इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे, वह दोस्तों मात्र अगले तीन दिनों में छह बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। और दोस्तों अब खुश हो जाइए, क्योंकि किस्मत अब पलटने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही आपके जीवन में तीन ऐसी बड़ी घटनाएं भी होंगी जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसलिए दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मिस करने की गलती ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये अगले तीन दिनों की समय अवधि में आपका जीवन कैसा रहेगा, नए साल की समय अवधि में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास और बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आपकी समस्याओं का हर चीज से अब सामना होने वाला है। और दोस्तों, इन सभी के बावजूद भी आपने कभी भी दोस्तों भगवान के ऊपर से अपने विश्वास को और अपनी आस्था को आपने टूटने नहीं दिया है। अब दोस्तों, इसी के कारण माता रानी के आशीर्वाद से इस समय आपके ऊपर बड़ी ही प्रसन्न हो चुकी हैं, और आप सभी के जीवन काल में वो जो जो खुशखबरियां देने वाली हैं, वे दोस्तों जीवन काल में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारी बातें दोस्तों बड़ी ही गहरी तरीके से दोस्तों ग्रह गोचर के आधार पर बता रही हैं। और आप सभी को ये भी बता दूं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं, ताकि आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं, वे सभी समस्याओं को दोस्तों माता रानी हर लेंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगी। बस दोस्तों, सच्ची श्रद्धा भाव से माता रानी के समक्ष हाथ जोड़कर आप अपनी समस्या उनके सामने प्रकट करें। याद रखें कि सच्ची श्रद्धा भाव से। इसी के साथ में दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि माता रानी ने जो आपके भाग्य को बदलने के लिए संदेश दिए हैं, जो आपकी किस्मत को बदलेगा, आखिर जीवन काल में कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और दोस्तों कौन से चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं। दोस्तों, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, और कौन से कार्य आप लोगों के लिए काफ़ी खुश नसीबी वाले साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस में आप कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दोस्तों कुछ पुराना मतभेद खत्म हो सकता है। सतर्क रहना जरूरी है। किसी सहयोगी की मजे से आपको दोस्तों अपना सफल मिल सकता है, और घर माहौल सुखद रहेगा। परिवार के साथ में पिकनिक अथवा डिनर पर जाने का मौका मिल सकता है। एलर्जी और खांसी जुकाम की ग्रस्ती बन सकती है दोस्तों, अन्यथा देसी इलाज फायदेमंद रहेगा। तथा काम संबंधी दोस्तों तनाव बढ़ने से काम की क्वालिटी सुधारना आसान रहेगा। जीवन के हर एक पहलू को गंभीरता से लें, इसलिए इस समय में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। मित्रता से आनंद मिलेगा तथा पैसों से संबंधित आय से काफ़ी फायदा रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। मीठी वाणी की सहायता से तथा अपनी चतुराई से कार्य में सफलता हासिल करेंगे। कामकाज के सिलसिले में बेहतर दिन होगा। दोस्तों, सकारात्मक नज़रिया रखने से परिस्थितियां अपने आप ही सम्मानित हो जाएंगी। बच्चों का ध्यान भी आपको पढ़ाई की तरफ लगा रहना चाहिए, तथा किसी विशेष को लेकर चल रही परेशानियां खत्म होंगी। दोस्तों, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सानिध्य में आकर आपकी मुश्किलें हल हो सकती हैं। दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए, परंतु इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर किसी पड़ोसी अथवा निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों उसी पर पुनः विचार जरूर करें। कार्य क्षेत्र में आपकी निगरानी जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही से महत्वपूर्ण ऑर्डर हाथ से निकल सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी नीतियों में कुछ बदलाव लाएं, तथा दोस्तों कर्मचारियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों,
इन बातों का भी ध्यान रखना है कि भविष्य संबंधी चिंताएं ना हो, फिर भी दोस्तों तनाव रह सकता है। दोस्तों जो बातें आपको कमज़ोर बनाती हैं उनके संबंध में स्वर लाने की आवश्यकता है, वरना काम के साथ जीवन के अनेक पहलुओं पर नकारात्मक असर होगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति से प्रशंसा मिलेगी, विश्वास भी बढ़ेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज आप अपने मित्रों से अच्छे विचारों को शेयर करिए, दोस्तों आपकी मुलाकात एक बेहतर व्यक्ति से होगी, इससे आपको एक खूबसूरत एहसास मिल सकता है। थोड़ी सी सावधानी से देखी जा सकती है, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें पाएंगे। तथा दोस्तों ये ज्ञान आपको बता दे बड़ा ही लाभकारी स्थिति उत्पन्न करेगा। किसी व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जिसके विचार आपसे मिलते हों। वहीं इस दौरान इस समय पार्टनर की तलाश करें जो आपके साथ में स्वस्थ आदतें बांटने में तैयार हों। इसलिए लोगों से सावधान रहें जो आपकी बात सुने बिना ही केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने की कोशिश करते हैं। वे अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बनाकर आपको प्रयोग करना चाहते हैं। यदि वह दोस्तों आपको बता दें कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आज आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफ़ी धीरज से काम लेना होगा। अगर शांति बनाए रखनी है तो दोस्तों सोच समझ कर बोलें, छोटी मोटी कहा सुनी हो सकती है, हालांकि ऐसा कभी कभार ही होता है। सारा दिन ऐसा रहे दोस्तों आपको अपने जीवन की किसी अच्छी चीज़ को खो देंगे, ये दोस्तों बेहतर रहेगा। वहीं आपके परिवार को आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं जिसके चलते आप खिंच महसूस कर सकते हैं। मनोकामनाएं दुआओं के जरिए पूरी होंगी और इसके साथ ही दोस्तों पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। अपना कुछ समय दूसरों को देने के लिए अच्छा है। आपकी कहानी आज एक नया मोड़ ले सकती है। आपका साथी आज आपसे शादी को लेकर बात भी कर सकता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले विचार करें, थोड़ा सा मूल भाव चतुरता का भी ध्यान रखें। दोस्तों यदि पुराने सामान को देखकर आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं, आप अपने जीवन साथी प्यार महसूस करेंगे। वहीं दोस्तों उपाय की बात की जाए तो दोस्तों मसूर की दाल व कुछ पैसे किसी सफाई कर्मचारी को देने से हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। तथा आर्थिक लाभ के लिए भी पिता समान व्यक्ति को सूर्य के कारक दोस्तों उसकी वस्तु जैसे गेहूं, दाल, दलिया, लाल मिर्च, केसर से बना भोजन कराएं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।